तो दोस्तों, भारतीय थल सेना के लिए एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर निकल के सामने आई है और भारतीय थल सेना की चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ताकत बढ़ाने के लिए 100 की संख्या में वारमेट नाम के ड्रोन को भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। दरअसल दोस्तों, पोलैंड की एक कंपनी है WB इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से और इसी पोलैंड की कंपनी की तरफ से भारतीय सेना को 100 की संख्या में उसके वारमेट नाम के UAV को सौंपा गया है। और इसके हम कुछ फीचर की बात करें तो यह जो वारमेट नाम का UAV है वो एक लोयटरिंग म्यूनिशन है, यानी शुद्ध हिंदी भाषा में कहें तो एक आत्मघाती हमलावर ड्रोन जो कि एक पारंपरिक और थर्मोबैरिक दोनों ही प्रकार के वारहेड को कैरी करने में सक्षम है। इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो है 30 किलोमीटर की। साथ में यह जो UAV है वो लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और इसको ऑपरेशनल करने के लिए इसमें रियल टाइम इमेजिंग की जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई गई है। यानी उड़ते समय यह जो ड्रोन है वो दुश्मन देश के चप्पे चप्पे की जो जानकारी है वो भारतीय सेना को प्रदान करता रहेगा और जैसे ही भारतीय सेना की तरफ से इसको आदेश मिलेगा तो दुश्मन देश के ऊपर यह आसानी से टूट पड़ेगा। और खुशी की बात यह है कि इसको भारतीय सेना किसी भी प्लेटफार्म के माध्यम से लॉन्च कर सकती है। इसको लॉन्च करने के लिए 2 सैनिक ही काफी रहते हैं और लॉन्च होने के बाद में यह काफी समय तक आसमान के अंदर मंडरा सकता है, जहां पर दुश्मन देश की हर गतिविधि के ऊपर इसके द्वारा नजर रखी जा सकती है। और जैसे ही इसको आदेश मिलता है तो दुश्मन देश के ऊपर यह बिजली की रफ्तार से टूट पड़ता है और दुश्मन देश के वक्तरबंद वाहन, टैंक और रडारों वगैरह को आसानी से यह धूल में मिला सकता है। और इस प्रकार से पोलैंड की कंपनी का यह दावा है कि यह एंटी टैंक मिसाइल की भांति काम करता है, जो कि हाईली एडवांस और बहुत ही कम रडार सिग्नेचर को फॉलो करता है। यानी आम भाषा में कहें तो इसका आकार काफी छोटा है, जिससे दुश्मन देश के एडवांस से एडवांस रडार भी इसको आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे। वैसे आप सभी को बता दूं कि हमने इजराइल और इसके अलावा न्यू स्पेस रिसर्च के साथ भी ऐसे ही लोयटरिंग म्यूनिशन की कई सारी ऑर्डर भारतीय सेना के लिए दे रखे हैं, परंतु फिलहाल में पोलैंड की कंपनी की तरफ से 100 की संख्या में आत्मघाती हमलावर ड्रोनों को भारतीय सेना में शामिल कर दिया गया है, जो कि आगे चलकर भारतीय सेना के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में। इसके अलावा इसका बॉर्डर पर तो यूज किया ही जाना है। खैर दोस्तों, इस प्रकार के ड्रोन को लेकर आप सभी की क्या राय है और ऐसे ड्रोन भारतीय सेना में क्या और शामिल करने चाहिए, कमेंट बॉक्स में फिर आप इस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।